आजकल अधिकतर लोग यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं, जिसकी मुख्य वजह उनका अपना खान पान और लाइफस्टाइल है। अगर एक बार शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो फिर इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को जोड़ों में दर्द, सूजन का आना, उठने बैठने में दिक्कत आदि होने लगती है। सो समय रहते ही डॉक्टर से परामर्श लें। इसके साथ ही यूरिक एसिड मरीजों के लिए आज के वीडियो में कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं जो काफी लाभकारी साबित होते हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स हैं जो बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में लास्ट तक पेशेंस के साथ बने रहिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरिक एसिड मरीजों के लिए बादाम का सेवन लाभकारी होता है। इसमें कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, विटामिन के, प्रोटीन और जिंक पाए जाते हैं। इसलिए इसके रोजाना सेवन से जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या से आराम मिल सकता है। काजू में भी पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर जैसे कई पोषक तत्व मौजूद हैं जो यूरिक एसिड को नियंत्रित करने में कारगर होते हैं। तीसरा है अखरोट। अखरोट को सुपरफूड कहा जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो शरीर से यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा भी डॉक्टर के द्वारा बताए गए परहेज को जारी रखें और आयुर्वेद के अनुसार बादी दाल, जिसे आमतौर पर अरहर की दाल लोग इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, उसे परहेज करें। लाल मलका मसूर की दाल का इस्तेमाल करें, वो काफी फायदा देता है। इसके अलावा दूसरा टिप्स है कि शुरुआती दौर में जब किसी को यूरिक एसिड हो तो उसका एक तरीका है कि कच्चा पपीता जो होता है, पपाया, उसको लेकर कद्दूकस कर लें और कद्दूकस करने के बाद आधा किलो पपीते का वजन होना चाहिए। जितना कद्दूकस के बाद वजन हो उतना ही पानी ले लें और उस पानी में कद्दूकस किया हुआ पपीता को मिलाकर उस पानी को उबाल लें। उबालने के बाद ठंडा करके उस पानी को छान लें और लगातार उस पानी का सेवन करें तो इससे आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड लेवल कंट्रोल हो जाएगा। बथुए का साग का सेवन। जी हाँ दोस्तों, यदि आप रोजाना बथुए के पत्तों के रस का सेवन करते हैं या साग खाते हैं तो शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। इसके रस में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ बनाने में मदद करेंगे। वहीं बथुए के पत्तों के सेवन से आपकी हड्डियां भी दिन प्रतिदिन मजबूत बनी रहती हैं। आप अपनी रोजाना की डाइट में बथुए के पत्तों की सब्जी या जूस का इस्तेमाल करें। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जो पेट साफ रखने में सहायक होती है। वहीं इसके पत्तों के रस के सेवन से यूरिक एसिड को बढ़ने की बीमारी दूर होती है। इसके साथ अजवाइन का पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, अजवाइन के पानी के सेवन आपके बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, आज ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए यूट्यूब साजिद हसन हेल्थ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।